नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज देखी होगी कि हमारे देश के नाम को बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई हुई थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि सरकार को इस पक्ष में, यानी कि सरकार को इस बारे में आवेदन कर सकता है जिसने वो याचिका लगाई हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको सबसे पहले भारत की मैप्स में स्थिति देख लीजिए। आप, ये है आपकी प्यारी पृथ्वी और इसमें ही आपका एशिया, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा इंडिया, इसमें आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी 2020 की बात कर रहा हूँ, जून 2020, याद रखना है। क्षेत्रफल में आपका भारत 7वें नंबर पर है और जनसंख्या में 2रे नंबर पर है। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उत्पादन आपका बराबर चल रहा है। तो इसमें कोई कमी ना देखते हुए हम लोग कुछ दिन में एक नंबर पर पहुंच जाएंगे। नीचे आपका श्रीलंका है, ये म्यांमार लगा हुआ है, भूटान, नेपाल, ऊपर आपका चाइना है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये आपका न्यू दिल्ली, इसकी राजधानी है। तो ये इसकी सामान्य जानकारी हो गई। और आप सभी को पता होगा हमारे देश को स्वतंत्रता आपकी 15 अगस्त 1947 को मिली, ठीक है। और क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऊपर आपका उत्तर में आपका इंदिरा कॉल से लेकर नीचे दक्षिण में यहाँ अंडमान निकोबार तक इंदिरा पॉइंट तक है, इंदिरा कॉल कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक, ठीक है। और ना इस तरफ आपका पूर्व में आपका किबूती और पश्चिम में आपका सरगीक गुजरात के पास है, यहाँ तक आपकी फैला हुआ है भारत आपका। कुछ याद रखना है आपको, तो स्वतंत्रता दिवस आपकी 15 अगस्त को मिली, गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, गांधी जयंती आपकी 2 अक्टूबर को, आपका राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष है आपका जैसे बरगद हो गया, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय वंदे मातरम, राष्ट्रीय गण जनगणमन, जनगणमन हो गया। तो इनको आप लोग वैसे भी याद रख सकते हैं सामान्य जानकारी के लिए, ठीक है। चलिए अब इस आर्टिकल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके जो लेखक हैं, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया, प्रोफेसर निरंजन कुमार, ये लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर साहब है, ठीक है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई कि देश का नाम इंडिया के बजाय केवल भारत किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि संविधान में आपका इंडिया शब्द का उल्लेख मिलता है आपको, यानी कि भारत। अदालत ने इस पर कोई फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इस मामले में सरकार के समक्ष आवेदन कर अपने तर्क प्रस्तुत करे। फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, परंतु इतना जरूर है कि इसने एक नई बहस अवश्य छेड़ दी, यानी कि एक मुद्दा जरूर दे दिया। वास्तव में किसी राष्ट्र या क्षेत्र का नाम सामान्य नामकरण मात्र नहीं होता है, बल्कि एक सांस्कृतिक विमर्श होता है, यह राजनीतिक समाजशास्त्र का भी हिस्सा है। इस मामले में याचिकाकर्ता की भावनाओं से भी इसी भाव का प्रकटीकरण हो रहा है। उनका कहना है कि चूंकि इंडिया शब्द से गुलामी का भाव झलकता है, तो उसके स्थान पर देश का नाम केवल भारत या फिर हिंदुस्तान होना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं इंडिया मतलब अंग्रेजों के समय का नाम है, ठीक है। आपने देश के अतीत में तमाम नाम विचलित रहे हैं हमारे देश के, कौन कौन से, जम्बू द्वीप भी बोलते हैं, भारत, भारतवर्ष, आर्यावर्त, आर्यनाडु, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से आप लोग पुकारते हैं इसे, तो इन्हें याद रख सकते हैं आप लोग। हालांकि वर्तमान में केवल 3 नाम आपके, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ही चलन में है। सबसे पहले इंडिया शब्द की थाह लेते हैं, यह ग्रीक भाषा से आया है। ईसा से 4वीं 5वीं सदी पूर्व ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया, जो बाद में आपका इंडिया बन गया शब्द। ग्रीक से यह 2री सदी में लेटिन में आया, यहाँ इसका व्यापक प्रयोग 16वीं और 17वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा ही हुआ, यानी यह शब्द पश्चिमी अथवा अंग्रेजी उपनिवेश निवेशिक साम्राज्यवाद की देन है, इंडिया शब्द। इतिहासकार इयान जे बेरो ने अपने लेख
फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया, नेमिंग चेंज इन चेंजिंग नेम्स में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रिटिश नक्शों में इंडिया शब्द प्रयोग होना शुरू हुआ। इंडिया को अपनाने से पता चलता है कि कैसे उपनिवेशिक नामकरण ने नजरिए में बदलाव किया और इस उपमहाद्वीप को एक एकल परिसीमित और ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्र की समझ बनाने में मदद की है। इस प्रकार आपका इंडिया शब्द ब्रिटिश गुलामी की गंध छिपी हुई है, किसमें? इंडिया शब्द में। वही इंडिया शब्द इस देश के किसान मजदूरों या फिर अन्य मेहनतकश लोगों को स्वयं में समाहित करता नहीं दिखाई पड़ता। ये लोग अपनी माटी और संस्कृति के साथ गहराई से जुड़े हैं, जबकि इंडिया और इंडियन से हमें ऐसे लोगों या वर्ग का बोध होता है जो शक्ल व सूरत में भले ही देश के अन्य लोगों की तरह हों, पर अपने व्यवहार, बोली, संस्कृति में मानो पश्चिम की फोटोकॉपी हो। सांस्कृतिक धरातल या फिर अर्थवत्ता की दृष्टि से भी आपका इंडिया शब्द इस देश की मिट्टी से जुड़ी किसी सांस्कृतिक बोध या फिर अर्थवत्ता का वत्ता का परिचय नहीं देता है। दूसरा आपका प्रचलित नाम था हिंदुस्तान, जिसका उद्गम भी सिंधु नदी से ही हुआ है। असल में ईरान लोग सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे और उसे हा कहते थे, इसलिए प्राचीन ईरानी लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा। अति प्राचीन पुस्तक नक्श ए रुस्तम में उल्लेख है कि ईरान के एक शासक डारियस ने इस क्षेत्र को हिंदू हिंदुस कहा। प्राचीन ईरानी भाषा अविस्ता में स्थान के लिए याद रखिए स्थान शब्द मिलता है। इस प्रकार यह प्रदेश हिंदुस्तान कहा जाने लगा और यहाँ के निवासी हिंदू। इस प्रकार हिंदू शब्द धर्म का पर्याय नहीं था। हिंदू या फिर हिंदुस्तान शब्द विशुद्ध रूप से पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, लेकिन आप आजकल देखते हैं कि हिंदू शब्द को धर्म से जोड़कर देखा जाने लगा है। वैसे हिंदुस्तान मुख्य रूप से उत्तर भारत के लिए इस्तेमाल होता था, बाद में मुगल शासकों ने भी अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। हालांकि आजादी की लड़ाई में मोहम्मद अली जिन्ना उसके साथियों ने अपने द्विराष्ट्र सिद्धांत को श्रेय चढ़ाने के लिए इसके अर्थ को विरूपित किया, और उनका कहना था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, लिहाजा मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए। इस तरह एक पंथ निरपेक्ष शब्द हिंदुस्तान को एक धर्म से जोड़कर देखा जाने लगा। और आपने देखा है इसी टाइम आपका पाकिस्तान को अलग कर बना लिया गया मोहम्मद अली जिन्ना की बदौलत, अपने राजनीतिक स्वभाव के लिए, स्वार्थ के लिए इस तरह के ये गढ़े गए थे। ऐसे में यह अनायास नहीं था कि जब देश का संविधान बना तो उसके पहली ही अनुच्छेद में एक में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होता है, या हिंदुस्तान शब्द की जगह नहीं मिली यहाँ आपकी। हालांकि इंडिया शब्द को अपनाना दुर्भाग्यपूर्ण था, शायद इसलिए पीछे उपनिवेशिक शासन का मनोवैज्ञानिक दबाव रहा होगा। दुर्भाग्यवश इसी दबाव के कारण ही अनुच्छेद 343, याद रखिए अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी आपकी राजभाषा बना दिया गया। पूरी तरह से आपकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, उसमें आपका हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी माना गया है। इसी पश्चिमी उपनिवेशित मानसिकता का ही दबाव है कि अभी भी हमारे अधिकांश अकादमिक बौद्धिक विमर्श संकल्पना सिद्धांतिक पश्चिमी और फिर पश्चिम से प्रभावित है। अच्छी बात यही है कि आज हम वह दबाव खत्म होता दिख रहा है। अब समय आ गया है कि हम भारत को भारतीय चश्मे से ही देखें। फिर अगर विदेशी के वजह भारतीयता के आलोक में ही विचार करें, तब भी नाम की दृष्टि से अपने देश के लिए भारत नाम ही सबसे आपका सार्थक नाम लगता है। और एक भारत हमारे अपनेपन की इसमें गंध आती है, यानी कि सुगंध आती है। आप समझ सकते हैं कि भारत अपनेपन की, अब इंडिया आप समझ सकते हैं इंग्लैंड, समझ रहे हैं कि मतलब विदेशियों की देन। एक तो यह तीनों नाम में यह सर्वाधिक प्राचीन है कि दुनिया के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और महाभारत में इस भौगोलिक क्षेत्र के नाम के रूप में भारत या फिर भारतवर्ष का उल्लेख है। यानी कि जितने भी आपके पुराने ग्रंथ हैं उन सभी में आपका भारतवर्ष या फिर भारतवर्ष का उल्लेख किया गया, भारत या भारतवर्ष का, ठीक है। तो प्राचीन नाम आप भारत रख सकते हैं या फिर भारतवर्ष रख सकते हैं। और भरत एक आपके शासक थे, उन्हीं के नाम पर आपका भारत रखा गया था।
हमारे स्वाधीनता आंदोलन का सबसे अधिक भावात्मक नारा भी भारत माता की जय ही था, और हमारे राष्ट्रगान में सिर्फ भारत नाम का ही उल्लेख है। अर्थविज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह शब्द संस्कृत के बृहद धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न करना, वहन करना, निर्वाह करना। इस तरह भारत का शाब्दिक अर्थ होता है जो निर्वाह करता है या फिर जो उत्पन्न करता है। एक अन्य स्तर पर भारत का एक और अर्थ है ज्ञान की खोज में संलग्न। इस प्रकार अपने सांस्कृतिक बोध और मूल्य की दृष्टि से भी भारत नाम कहीं अधिक अर्थवान है। इसके अलावा यह अभिधान अपने में सभी पंथ, समुदाय, जातीयता और वर्गों को भी समाहित कर लेता है आपका भारत शब्द। इतना ही नहीं, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं जैसे पूरब की असमिया, मणिपुर से लेकर पश्चिम की गुजराती, मराठी से लेकर दक्षिण की तमिल, मलयालम तक में इस देश को भारत, भारत, भारता, भारतम आदि कहा जाता है। निस्संदेह सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक किसी भी धरातल पर भारत का नाम सर्वाधिक उपयुक्त है। कितना अच्छा होगा कि यदि हम अपने देश को सिर्फ भारत पुकारें। आप समझ सकते हैं इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज चले गए हमारे यहाँ से शासन करके, अब उस नाम को बदल देना चाहिए। भारत कितना अच्छा है, भारत हिंदी का कम से कम बोध तो हो। हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा किस तरह से बनाएंगे जब हमारे देश में सभी हिंदी को मानने लगेंगे। अभी आप देखते हैं कि हिंदी का जैसे भी मुद्दा आता है राष्ट्रीय भाषा बनाने का, दक्षिण भारत के राज्य अलग होने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, अलग भगने लगते हैं। तो सबको एक दिशा में लाना होगा, उसके बाद ही आप लोग हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी भारत की कहानी।